तो एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर है 4, और ये बुक का नाम है मैथ मेट मधुबन पब्लिकेशन की, क्लास है 7th, क्लास 7th, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 4th का ए पार्ट, कि इसको हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना, 1/10 प्लस 7/15 इंटू 3/16 प्लस 3/8, ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, ठीक है ना, यहाँ लिखो, इनका एलसीएम लेकर के यहाँ लिखो, तो इसका एलसीएम तो पता लग जाएगा कि 8 आएगा, और 10 और 15 का एलसीएम इधर साइड में ले लेते हैं, 2 5 जा और 5, नहीं ये 15 है, 3 से जाएगा, 3 5 जो, और ये 10 का 10 ही रहेगा, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, 10 और 15, 5 से जाएंगे, 2 9 3, 2 से 1 3, 1 1, 3 2 6 और 5 जो 30, यानी 30 इसका एलसीएम आएगा। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने पहले भी बताया था कि 10 से 30 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन प्लस का था वैसे उतार दिया, अब वही काम यहाँ भी करो, 15 से 30 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी वही, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 16 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 14, नीचे 30 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 6 नीचे 16, ये कितना होगा, 14 प्लस 3 17/30, और ये हो जाएगा 9/16। अब अगर ये कट रहे होते तो काट दो, ठीक, नहीं कट रहे, 153, 79 जा 153, और 16 48 480, ठीक, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन 4th के फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, डिवाइड करो, 3 से 3 टाइम जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 3 की, 9 से 1, 9 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 5 से करेंगे तो 3 टाइम, ठीक है ना, साइन जैसे चल रहे वैसे उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 6 और ये 4 9, ठीक, ये क्या आएगा, 11, माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 2 और नीचे 9, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 11 माइनस 6 5 बचेगा, ठीक है ना, 6 5 11 होता ना, 5 1 जा 5, 5 3 जा, -2/9 और ये 1/3 बचेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, -2 की 1 से करेंगे, -2/9, 3 जा 27, ठीक है। अब सिक्सटीन और 18 का एलसीएम लो, 2 8 16, 2 9 18, ठीक, अब एक बार 8 से कर दो, 9 से कर दो, 9 8 72, 2 9 4, 214, 144, तो आ जाएगा 16 9 144, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 1 × 9 और माइनस 18, 8 जा होता 18 2 8 144,
तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 एंड 12 का एलसीएम लो, 9 एंड 12, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 3 4 जा 4 3 12 3 36, यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा 36, 9 4 36 यानी 400 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और 12 3 36 यानी 300 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 9 8 5 40, 144, इधर आ जाएगा 5 2 20 17, ठीक है ना। 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 31 बटे 144, इधर 20 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे 36। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 31 और नीचे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 144 और 36, 144 और 36, 6 6 24 6 6 24 2 26 6 6 12 3 6 12 3 6 12 1 3 11 4 5 6 7 8 8 3 11 4 5 5 1 8 4, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन तुम लोग भी करके देखा करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, ये सब तुम लोग भी करके देखा करो, है ना। हो सकता है कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत कर दें, बाकी प्रोसेस तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में, ये ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2/9 माइनस 5/6 हो जाएगा, और ये 3/8 और माइनस का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 6 का एलसीएम लो सबसे पहले, 3 3 6 3 3 9 3 2 6, तो फिर 3 से करेंगे, एक बार 2 से कर लेंगे, 2 3 3 3 9 2 18 यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 18, ठीक, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, 9 2 18 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 2 8 होता है तो 3 से 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और ये 18 है ना, 3 और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 4 में से 15 जाएगा, है ना, 4 माइनस 15 कितना बचेगा, माइनस का 11/18, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3/8, वापस में कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा, कट रहा है, 3 1 जा 3 6 जा 18 होता ना, 3 6 18 तो -11/6, और ये माइनस का 1/8, मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर की तो हो जाएगा प्लस का 11 और नीचे 8 6 48, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, अगला देखो ई वाला पार्ट। इसमें देखो कुछ कटने वाला तो काट दो, 4 1 4 4 9 36, तो कितना आ गया 1/12 × -5/9, और ये प्लस का 3/10, ये क्या है, मॉड का साइन है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -5/11/99 +3/10। अब ये मॉड क्या करता है, अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको पॉजिटिव वैल्यू बदल देता है, यानी बाहर क्या आएगा 5/99 + 3/10, ठीक है ना। अब नीचे एलसीएम में क्या जाएगा, 99 × 10 यानी 900, ऐसे करके तो 99 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 10, और इधर करेंगे तो कितना जाएगा 99 3 × 99, तो 5 50 3 27 3 27 2 29 और 990, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दो, 7 हो गया, और 9 5 14 का 4 हो गया, 2 1 3 हो गया,
9990, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। ये वाला पार्ट देखो ऐसे ही है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो 7/1 आ गया, इंटू 1/1 आ गया, -29/4 हो गया, +5/12 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया 7/1 -29/4, 5/12, ठीक है। तो अंदर इनको सॉल्व करो, एलसीएम कितना जाएगा 4, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितने में आ जाएगा, 4 बाय 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 28, और 4 से 4 को डिवाइड करो 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, वही आंसर 5/12। 28 में से 29 यानी कि -1/4 और +5/12, मॉड लगा है तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, तो 1/4 हो जाएगा 5/12। यहाँ पे समझे ना इस बात को, ये मॉड लगा, मॉड क्या करता है, अंदर जो वैल्यू नेगेटिव होती है उसका पॉजिटिव मान लेते हैं हम लोग, -1/4 था तो हम बाहर क्या लिखेंगे, प्लस का 1/4, और 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 भी आएगा, 4 3 जा तो 1 × 3 है ना, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 टाइम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 और +5 और नीचे 12 कितना जाएगा, 8/12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 कितना जाएगा, 2/3, तो ये आंसर हो गया, ठीक। फिफ्थ पार्ट देखो, फाइंड द रेशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय -5/8 गिव्स ये, यानी 5/8 में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया, मान लीजिए एक्स, तो हमें क्या मिलता है 1/6, इसकी वैल्यू निकालनी। अब इसको देखो बेटा, ये जो मान है ना ये काहे में, मल्टीप्लाई के साइन में, अब इसको तुम्हें दूसरे साइड भेजना, तो जब तुम इसको दूसरे साइड भेजोगे 1/6 तो ये डिवाइड में जाएगा ऐसे करके नीचे, -5/8 ऐसे डिनोमिनेटर में जाएगा दूसरे साइड। वो नंबर क्या होता, जैसे लिखा होता कि 2 + x = 5, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तब हम जब इसको भेजते इधर तो x = -5 × -2, जब इधर प्लस का था उधर जाता तो माइनस का हो जाता। लेकिन जब कोई चीज़ कोफिशियंट में हो और उसको दूसरे साइड भेजना हो तो वो बेटा डिनोमिनेटर में जाता हमेशा। तो देखना, ये न्यूमरेटर में भी एक रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक रेशनल नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर वाले से तो कोई मतलब नहीं, वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा, डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा पलट जाता है, ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, ये रूल है ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। अब इसको कट करो, 2 4 जा 2 3 जा, ठीक, तो कितना आ गया 1/3 × 4/-5, ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 और नीचे -15, माइनस का भी नीचे रहता नहीं तो ऊपर भेज दो, 4/15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन हो गया। इधर देखो, फाइंड द नंबर डैट शुड बी मल्टीप्लाइड दिस, है ना, बाय इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, फाइंड द रेशनल नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय -5/8, यानी वो नंबर कौन सा है जिसमें -5/8 की मल्टीप्लाई कर दी जाए 1/6 आया, तो हमने क्या माना कि वो नंबर कौन सा है, x। सिमिलरली सेम क्वेश्चन यही है यहाँ पर भी, देखो फाइंड द नंबर डैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 11/23 टू गेट दिस, तो वो नंबर कौन सा है, मान लीजिएगा वो नंबर है x, जिसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी 11/23। अब तुम ये मत कहना सर इसमें आपने ये नंबर पीछे लिखा उसमें ये आगे लिखा, अरे मल्टीप्लाई करना चाहे आगे करो चाहे पीछे, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता। तो कितना आएगा 65/69, सेम प्रोसेस, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये नंबर अपॉन में चला जाएगा 65/69 और डिवाइड बाय 11/23, ठीक। चाहे इसको ऐसे लिखते या तुम ऐसे लिख सकते थे, -65/69 डिवाइड बाई
11 अपॉन 23। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जब साइन तुम बदलोगे ठीक मल्टीप्लाई का, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब 23 वन जा 23 थ्री जा होता है, ठीक है ना। हाँ, अब ये कुछ कटना है नहीं, ठीक है। तो ये माइनस का 65 है, तो माइनस 65 अपॉन 3 × 1 अपॉन 11, माइनस का 65 और ये आ जाएगा 33। और इसको तुम उसमें चेंज करते हो तो ज़्यादा बढ़िया था, किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 32 2 जा करेंगे तो 66 ज़्यादा हो जाएगा, वन टाइम ही करो। 33 2 और 3 32, यानी कि 1/33 अपॉन, ठीक है। ये बेटा ये देखो क्या किया भाई, इस नंबर को तुम दूसरे साइड भेजोगे ना, तो या तो ये ऐसे लिखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ नीचे लिखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, या तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे ये 65/69 डिवाइड का साइन बनाओ ऐसे, और ये आ जाएगा 11/23। इसमें भी क्या, ये 23 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे रह जाएगा। देखो इसमें भी वही, ये साइन बदलोगे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये नंबर पलट जाएंगे, फिर आपस में सॉल्व कर दो, जो ऊपर नीचे कट रहा है काट दो, जो नहीं कटता उसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, ये आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा 4.3 एक्सरसाइज 4.3। और बेटा हम जानते हैं कि अपने गांव देहात साइड में नेट की बहुत समस्या है, तो तुम क्या किया करो, सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोडिंग लिया, रात भर लगा दिया, डाउनलोड हो गया, नेक्स्ट डे क्या किया हमने, इसको अच्छे से वॉच कर लिया, ठीक है ना। और धीरे 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 देखते हुए पॉज करते करते इसके नोट्स बना लिए। कोई डाउट हुआ, कुछ पूछना हुआ, तो एनी टाइम यू कैन आस्क, है ना। और बेटा हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और अगर तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर सोचो कैसा क्या होगा। माना कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना के चक्कर में अपनी पढ़ाई थोड़ी ना बर्बाद करनी है। हाँ, अगर मान ली तुमने ठान ही लिया कि सर अब इस साल हम अपना ड्रॉप करेंगे, अब अगले साल ही पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो फिर सेवन्थ क्लास में हो, सेवन्थ क्लास में ही रह जाना, अगले साल सेवन्थ क्लास कर लेना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमें एट्थ क्लास में किसी तरह जाना है, ठीक, तो बेटा काम तो चलाना ही पड़ेगा, जैसे हम काम चला रहे हैं तुम भी चलाओ और पढ़ो मेहनत से। ओके, बाय।